मंडला जिले की बमहनी बंजर बस स्टैंड पर एक डोलोमाइट से भरा डंपर अनियंत्रित होकर लगभग आधा दर्जन साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। वही एक स्कूली छात्रा इस हादसे में घायल हो गई है। बताया जाता है कि डोलोमाइट से भरा डंपर भवरताल खदान से चिरई डोंगरी रेलवे स्टेशन रैक पॉइंट के लिए निकला था। इसी दौरान बमहनी बंजर बस स्टैंड के पास वाहन अनियंत्रित हो गया। इसी दौरान विद्यालय की छुट्टी भी हुई थी और वाहन को अनियंत्रित देख अफरा तफरी मच गई। बेकाबू डंपर को देखकर छात्राएं साइकिल छोड़कर भागी है, लेकिन एक छात्रा डंपर की चपेट में आ गई जिससे उसके पैर में चोट लगी है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बेकाबू डंपर ने कहर बरपाया है। हादसे के बाद लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वही पुलिस ने डंपर जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम जानकी हरदार, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं स्कूल से छुट्टी हुई थी, मैं घर आ रही थी और उधर से ट्रक आ रहा था, शायद उसका ब्रेक फेल हो गया था, तो हमने सोचा कि साइड हो जाए, तो उधर से कोई गाड़ी वाला आया तो पैर में चढ़ा दिया था गाड़ी। और साइकिल वगैरह आपकी? नहीं, मेरी साइकिल नहीं थी, मैं साइकिल में लेके आई थी। कितने बच्चे थे वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारे लोग की छात्रा हूँ। कन्याशाला स्कूल से आ रही थी, ट्रक वाला आया कंट्रोल से और मुझे ट्रक के अंदर से निकाला गया है। जी, मेरा नाम गुरदेश श्रीवास है और यहाँ पर जो दुकान है वो पिताजी चलाते हैं। तकरीबन 4:30 बजे करीब ये घटना हुई। मेरे पिताजी जस्ट दुकान से निकल के बाजू में कुछ सामान लेने के लिए गए थे और उनका निकलना हुआ है, 4 कदम उनका आगे बढ़ना हुआ है और ये ओवरलोडेड जो गाड़ी यहाँ पे चली आ रही थी रेत लेके, ये फुल स्पीड से यहाँ पर हमारी दुकान में ही आके सीधे जो इसने ठोकर मार दी और शायद दुकान पूरी तरह से नष्ट हो चुकी और शायद उस प्रकार भी गाड़ी चली आती, पूरा दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरा सामान काउंटर से लेकर हर एक चीज पूरा नष्ट हो गया, जिसमें करीब हम लोग का 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जिसके अलावा स्कूल की भी बच्चियां थी, यहाँ कन्याशाला स्कूल में पढ़ती है बच्ची लोग, वो भी स्कूल से लौट रही थी, वो भी इस ट्रक के चपेटे में आई, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि लड़कियों को कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग तुरंत अपनी साइकिल दौड़ के यहाँ वहाँ जान बचा के भागी, लेकिन उनकी साइकिल जो है ट्रक के नीचे पड़ी हुई है। 10-12 साइकिल करीब पूरी ट्रक के नीचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पंचर पंचर होंगे, सब ढीले हो गए, लेकिन लड़कियां सुरक्षित है। साथ में और बाजू से हमारे साथ 3 दुकानें और लगी हुई, यहाँ पर 5 दुकान वगैरह थी। ट्रक को स्पीड से आता देख वो लोग भी जान बचाकर तुरंत कूद के भागे और एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो कि बम्बनी क्षेत्र में आज हो जाती, जिसमें दुकानदार भी, चारों दुकानदार सुरक्षित बच गए और जान माल की हानि नहीं हुई और जो स्कूल की बच्चियां थी वो भी सुरक्षित बच गई। यहाँ पे रोज ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, रोज कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे नगर पालिका को, पुलिस विभाग को, सबको बार बार भी सूचित करने के बाद में भी यहाँ पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आज जैसे शनिवार का दिन था, शनिवार के दिन पूरा रश रहता, इसके बाद में भी यहाँ ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ पास में स्कूल है, स्कूल की बच्ची आती, आज भी इसमें 6 से 7 साइकिल दब गई पूरी। और अभी बिल्कुल सोमवार के दिन हम लोगों ने यह मन बना लिया कि यदि सोमवार के दिन से यदि यहाँ व्यवस्था नहीं बनती तो हम लोग हम रोड पे गए। इसके पहले भी हुई है, पेपर के भी माध्यम से, न्यूज के माध्यम से भी बार बार इस चीज को बताया जा रहा है भाई कि गाड़ियां चले, एक व्यवस्था के साथ चले, अंडर लोड गाड़ियां चले, देख के चले, कहीं किसी को कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन उसमें किसी का ध्यान ही नहीं है।